हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है दूसरा दिन, और जो चिक्स निकले थे आपने वीडियो देखी होगी लास्ट वाली, तो आज दूसरा दिन है और ऑलमोस्ट 24 आवर हो गए हैं चिक्स को निकले हुए। और जैसे कि मैंने बताया था, 49 एग्स में से 48 चिक्स हैच हुए थे। कल हमने 40 चिक्स जो है इसमें डाल दिए थे बॉक्स में, यहाँ पर दिख रहा होगा सेटअप में। ये हमारे खुद से हैंडमेड ये ब्रूडर बनाया था थर्माकोल की मदद से, और सक्सेसफुल रहा। थोड़ी सी मुश्किल इसमें आई थी, मुश्किल इन द सेंस ऐसी कि थर्माकोल नोच नोच के चिक्स जो थे लास्ट क्लच वाले, वो इसको खा रहे थे। बट इस बार हमने क्या किया है कि साइडों में, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ अभी, साइडों में हमने फाइबर शीट लगा दी है तकरीबन 7 से 8 इंच ऊँची, और ज़मीन में भी हमने एक मैट बिछा दिया है। मैट के बाद हमने अपना जो चिड़ियों का भूसी वगैरह रहती है, निकलती है, तो वो बिछा दी है। तो अब इनकी पॉटी वगैरह भी रहेगी, एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो चिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये एकदम क्यूट वाला बच्चा ये बैठे हैं दोनों, ये एकदम प्यारे निकले थे। और अब जो है दाना खाने लगे हैं, ये आपको दिख रहा होगा दाना खा रहे हैं, इस तरफ हैं ये चिक्स। तो मूवमेंट जो है काफ़ी अच्छी हो गई है अब इनकी, काफ़ी सारे हो गए अब इसमें। बाकी 8 चिक्स जो थे, 40 चिक्स तो कल ही इसमें फॉस्टर कर दिए थे, और 8 चिक्स जो थे वो आज मॉर्निंग में करे हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है इधर रिस्पांस है, चिक्स वगैरह काफ़ी ठीक हैं, और कुछ तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त निकले हैं। तो अभी पहला दिन है और एक भी बच्चा जो है कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है, माशाल्लाह से सारे ठीक हैं और चल फिर भी रहे हैं। और पानी वगैरह भी हमने इसमें लगाया है फीडर में, इधर पे स्टार्टर फीड लगा रखा है। तो ये कुछ दिन तक रहेंगे, 10 दिन इसमें रहेंगे, 10 दिन के बाद इंशाल्लाह इनको बड़े वाले केज में हम छोड़ देंगे। और मौसम भी जो है अब ठीक होने लगा है, क्योंकि पहले जो है बहुत ठंडी थी तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी। बट अभी क्या है कि मौसम ठीक है, टेम्परेचर देख सकते हैं आप, इसमें हमने 35 डिग्री पे सेट कर रखा है। 35 डिग्री पे जाएगा तो बल्ब ऑटो कट हो जाएगा, 34.6 पे जैसे ही आएगा बल्ब ऑन हो जाएगा। और अंदर एक फ़ैन लगा रखा है, फ़ैन की वजह से जो है पूरी हीट जो है पूरे में सर्कुलेट होती रहेगी, किसी एक जगह पे पर्टिकुलर नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से जो है बच्चों को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑक्सीजन लेवल भी एकदम ठीक है, ऊपर से खोल रखा है। और जो हमारे बड़े वाले चिक्स जो है उनका आप टेम्परेचर देख सकते हैं 27.8, तो एकदम ठीक है, उनका टेम्परेचर भी एकदम नॉर्मल है। और जो सेटअप का टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ, अब जो है 26 डिग्री जो है जाने लगा है। अब जो हमारा ये यहाँ पर फार्म वाला सेटअप है, बजीज की भी आपको प्रोग्रेस चेक कराई थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जावा की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। और एक और गुड न्यूज़ है, जो यहाँ पर हमारी सिल्वर डव है, जो इसने एग लेकर दिए हैं, मेल बैठा हुआ है एग पे, अब शायद आपको दिखे या ना दिख पाए, ये मेल बैठा हुआ है, इनक्यूबेट कर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत ही आपको दिख रहा होगा पेयर है ये माशाल्लाह से। और इसकी भी देखते हैं ब्रीडिंग रिजल्ट, जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जावा की कॉलोनी आप देख सकते हैं, काफ़ी जावा हो गई है इसमें और काफ़ी डिमांड भी आ रही है। बट अभी मैं नहीं इनको हटा रहा हूँ, जब मुझे हटाना होगा तो मैं वीडियो बना के भी दिखा दूंगा कि कौन सी बर्ड है इसमें। चिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट, उनकी चोंच भी थोड़ी डार्क होने लगी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीना प्लस, करीब 2-2.5 महीने के चिक्स हो रहे हैं और थोड़े बहुत एडल्ट फेज में आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 महीने के होते होते ये भी ब्रीड पे आ जाते हैं, जो बच्चे निकले होते हैं। और सेकंड क्लास के चिक्स वगैरह हैच हो गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बाकी चिक्स आपको ये कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इधर पर आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादातर ब्लैक हैं, कुछ जो है अच्छे कलर में भी आए हैं। तो मूवमेंट इनकी चालू है बिल्कुल से, और एक दो दिन और बीतेगा तो ये एकदम एक्टिव हो जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा ये लोग उतनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है, बट जैसे मैं फर्स्ट क्लच में थोड़ा सा डर रहा था कि सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम सर्वाइव करे। और बाकी जो पहले वाले चिक्स थे वो भी हम दिखाते हैं आपको, इस तरफ पड़े हुए हैं, आज की वीडियो में भी आपको दिखा देते हैं। तो ये सारे ही अंदर घूम रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से, और काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, कलरफुल भी काफ़ी हैं। एक वाइट वाला आप देख सकते हैं कितना बड़ा लग रहा है, जबकि ये करीब 22 दिन के बच्चे हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है थोड़ा थोड़ा करके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो जावा की ब्रीडिंग प्रोग्रेस की होगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।